राजपूताना इस धरती का वो अंश है जिसकी मिट्टी में कई शूरवीरों ने जन्म लिया और माँ भारती की सेवा में वीरगति को प्राप्त हुए। इस मिट्टी के कणकण में न केवल महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता दिखाई देती है बल्कि वीरांगनाओं के बलिदानों की गर्जन भी सुनाई देती है। जब दुश्मनों से युद्ध करते वक्त मैदानों में वीरों की संख्या कम हो जाती थी तब माँ अपने 10-10 साल के बच्चों को तिलक लगाकर मैदान में भेज दिया करती थी और इन्हीं वीरांगनाओं के बलिदानों ने ही इस धरा को पावन बनाया है। और इसीलिए हम आपके सामने उस वीरांगना की वीर गाथा को लेकर आए हैं जिसके बलिदान को ये देश नहीं आज तक भूल पाया है और न ही कभी भूल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपको आगे भी ऐसे ही वीरों की गाथा सुनाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। राजपूताना यानी आज का राजस्थान और उसकी मेवाड़ की धरती का जब जब जिक्र होता है तब तब माँ पन्नाधेय को भी याद किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए ऐसी मिसाल कायम की जिसका विश्व में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। अपना सर्वस्व लुटाने वाली वीरांगना माँ पन्नाधेय किसी राज परिवार से नहीं थी बल्कि एक सामान्य परिवार से थी। मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण इन्हें धाय माँ कहा गया जिसके बाद ये पन्ना धाय कहलाई। बात राणा सांगा की पहली पत्नी के बेटे रतन सिंह की मृत्यु के बाद की है जब मेवाड़ की राजगद्दी खाली पड़ी थी और उस गद्दी पर राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज के बेटे बनवीर की निगाहें टिकी थी। बनवीर अपने चाचा यानी राणा सांगा की सभी संतानों को मारने के बाद राजगद्दी को हड़पना चाहता था और वो एक रात अपनी तलवार लेकर अपने सभी चचेरे भाइयों की हत्या करने निकल पड़ा। राणा सांगा की दूसरी पत्नी करमवती के बड़े बेटे विक्रमादित्य समेत बाकी सभी की हत्या करने के बाद जब वो उनके छोटे बेटे उदय सिंह को मारने के लिए उनके कमरे की तरफ चला तो इसकी खबर माँ पन्नाधेय को लग गई। माँ पन्नाधेय ने चित्तौड़ राजवंश के अंश को बचाने के लिए रतन सिंह को पलंग पर से उठा के एक टोकरी में लटा कर उसे पत्तियों से ढक दिया और एक विश्वसनीय सेवक को टोकरी को महल से बाहर ले जाने का आदेश दिया। बेड पर खाली पड़ी उदय सिंह की जगह पर उन्होंने अपने बेटे चंदन को शाही पोशाक पहनाकर लिटा दिया। बनवीर जब उदय सिंह के कमरे में आया और उसने माँ पन्नाधेय से उदय सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने बेड पर लेटे हुए अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया और बनवीर ने माँ पन्नाधेय की आंखों के सामने उनके पुत्र चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस घटना को और दर्द भरा एक बात बना देती है कि माँ पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखी और बनवीर को शक न हो इस वजह से उन्होंने अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। बनवीर के लौट जाने के बाद माँ पन्ना अपने पुत्र के शरीर को चूमकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद माँ पन्नाधेय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही और एक के बाद एक काफी संघर्षों का सामना किया। बाद में कुंभलगढ़ में उन्हें शरण दे दी गई और लगभग 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए। ये बलिदान था माँ पन्नाधेय जिसने आगे चलकर फलस्वरूप भारत को महाराणा प्रताप जैसा वीर दिया।